हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऑडियो पैनल या ऑडियो रिसीवर या ऑडियो मॉड्यूल जो आप देख सकते हैं उसको रिपेयर करना बताएंगे। दोस्तों, मैं जो तरीका बताऊंगा वो ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये आपका जो ऑडियो रिसीवर है या ऑडियो पैनल वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं, जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातें लगभग 10% ही सही हो, बाकी 90% मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर कोई नहीं, कोई अगर वीडियो बनाता है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही जानकारी देने के लिए बनाए, गलत जानकारी देने के लिए नहीं बनाए। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास जो मॉड्यूल है जो सही होने वाला भी होता है वो ख़राब हो जाता है उस गलत तरीका के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल है जो कि ज़्यादातर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, तो ये ज़्यादातर पहले यूज किया जाता था, अब सभी में इस प्रकार के जो ऑडियो पैनल है वो यूज किया जाता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है इसका जो आईसी हीट होता है और डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है। अगर आईसी हीट हो रही है तो वो डिस्प्ले में ऑन होगा नहीं, क्योंकि जब आईसी इसका ख़राब है तो यहाँ से ये इसको सिग्नल देगा नहीं डिस्प्ले को और वहाँ से वो ऑन होगा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं इसको रिपेयर करना बताऊँगा। तो चलिए, हमें क्या करना है दोस्तों कि एक आपको सिंपली बैटरी ले लेना है और या 5 वोल्ट कहीं से भी ले लेना है, क्योंकि ये जो आपका जो पैनल है इसको लगभग 4 वोल्ट 5 वोल्ट भी काम कर जाता है। और ज़्यादातर ये दोस्तों ख़राब होता है वोल्टेज के ही कारण ख़राब होता है, जैसे कि एम्पलीफायर में 3805 वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कभी कभी वो ख़राब होने के कारण डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे देता है, उसके वजह से ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मॉड्यूल ख़राब हो जाता है। तो चलिए, इसको किस प्रकार से चेक करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके पास कोई मॉड्यूल है और वो सप्लाई देने पर जो आप उसका जो आईसी है, मेन आईसी होता है, जैसे कि ये ले लीजिए, ठीक है, इसका ये मेन आईसी है, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा आईसी है इस पर कुछ जो है पॉइंट दिख रहा होगा जो कि जला हुआ टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप का रहे या सप्लाई देने के बाद ये गर्म हो जाता है, उस कंडीशन में आपका जो पैनल है कभी नहीं बनेगा, चाहे कहीं भी ले जाइए वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये आईसी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। या तो इसको रिप्लेस करना होगा, अगर रिप्लेस करते तो ये इस मॉडल का जो आपका आईसी है हो सकता है मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे आप सप्लाई देते हो ये गर्म नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम इस पर लगभग 95% इसको चांस रखते हैं कि ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब हमारा ये हीट हो रहा होगा, मैं 100% कहता हूँ दोस्तों, वो आपका कभी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सप्लाई देते हैं इसमें और देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये आपका बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आईसी है दोस्तों ये हीट होता है, तो मेन आईसी हमारा ख़राब हो चुका है, वो हमारा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरे वाले पर हम फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये सही वाला होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारा सही वाला पैनल है, और यहाँ पे लगभग ये हमारा जो सब है वो ख़राब है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम सप्लाई देंगे, ठीक, और ये आईसी हमारा हीट हो रहा है। चलिए, हीट हो रहा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा आईसी है ये हीट हो रहा है, देख सकते हैं। ये आईसी हीट हो रहा है, इस कंडीशन में आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, ये आपका जो पैनल है कभी नहीं बनेगा। मैं 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आपका आईसी हीट हो रहा है तो ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिपेयर नहीं हो सकता है, इसको आप कबाड़ा में डाल सकते हो। हाँ, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, इस वाले मॉड्यूल को। तो इसमें हम सप्लाई देते हैं और ये वाला जो छोटा वाला आईसी है उस पर हम अगर हाथ डालेंगे तो ये हमारा हीट बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा आईसी है हीट नहीं हो रहा है, देख, ये हमारा पेस्ट अभी तक पिघला नहीं है, क्योंकि ये आईसी हमारा बिल्कुल ठीक है और ये हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, कहीं से भी कोई जम्पर खोजना नहीं है, बस आपको एक बार ये श्योर होना है कि इसके बगल में एक फिल्टर कैपेसिटर होता है मेन सप्लाई के लिए, जैसे कि मैं और मॉड्यूल पे दिखा रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये सप्लाई के जस्ट बगल में है, और ये वाला जो फिल्टर कैपेसिटर है दोस्तों डायरेक्ट आईसी में जाता है, जो कि यहाँ पर इसको फिल्टर करके देगा। और ज़्यादातर इसमें कैपेसिटर यूज नहीं किया जाता है, 1 से 2 कैपेसिटर यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें 2 कैपेसिटर यूज किया गया है। तो एक आईसी के पास जो यूज किया गया दोस्तों वो हमारा सप्लाई का है, ठीक है।
और ये आईआर सेंसर के पास में लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे ये पावर सप्लाई इसमें मिलता है चार्जिंग के लिए, तो उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कैपेसिटर लगा दिया गया है। बाकी आप सभी में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये हट चुका है, और इसमें भी आपको सिर्फ एक ही कैपेसिटर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसके साइड वाले में, यहाँ पे कैपेसिटर का सप्लाई के जस्ट बगल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लगाया नहीं गया है। तो ज़्यादातर आपको एक ही कैपेसिटर इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे इसके जस्ट बगल में कैपेसिटर दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर डायरेक्ट हमारा यहाँ से इसमें आता है, और ये वाला डायरेक्ट इसमें फिल्टर करके देता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसमें लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक जम्पर लेना है या कोई वायर आपको इसमें जो प्लस वाला पॉइंट है हमारा, जैसे यहाँ 12 वोल्ट लिखा हुआ है लेकिन 12 वोल्ट इसमें देना नहीं, 5 वोल्ट ही देना है, तो जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है उसमें और इस कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट में पहुँचा देना है, ठीक है। आप चाहे तो एक सोल्डिंग से वायर को यहाँ पर कनेक्ट करके इसमें टच करके देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा चिमटी है तो आप इसको इस तरीका से कनेक्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको चेक करके दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर में माइनस प्लस को देख लेना है, यहाँ पे ये माइनस वाला पॉइंट है और इस साइड वाला प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो प्लस वाला पॉइंट और इस बैटरी के जो यहाँ पे कनेक्टर होता है प्लस वाला पॉइंट, ये दोनों प्लस पॉइंट में हम कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद देखना है कि हमारा यहाँ पे लाइट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सप्लाई आ चुका है और ये ब्लूटूथ हमारा शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही जम्पर लगाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जम्पर लगा के आपको दिखाते हैं, और जम्पर लगाने के बाद दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जम्पर लगा देते हैं सिंपली, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे इसका सप्लाई दिया जाता है उसका प्लस वाले पिन से मैंने इस कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे मैंने जम्पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें अब सप्लाई देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है यहाँ पे आ चुका है, ये सप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉल्ट था दोस्तों, वो देख सकते हैं कहाँ पे था फॉल्ट, और ये जो अंदर आप एक आईसी देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये आईसी है, यहाँ पे ये जल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये आईसी यहाँ पे जल चुका है। इस आईसी का काम है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सॉकेट दिया जाता है जिसे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे छोटा सा सर्किट बना दिया गया है, उसी के दौरान यहाँ पे ये आपका जो आईसी है। तो पहले सप्लाई इस आईसी में आता है, और इस आईसी के बाद हमारा यहाँ पे इस कार्ड में आता है। तो ये थोड़ा महंगा वाला पैनल है, इसमें इसलिए फंक्शन दिया गया है, अगर आप इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट देते हो तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपका पैनल ख़राब होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़राब हो चुका था, इसलिए यहाँ से आउटपुट नहीं कर रहा था इस कैपेसिटर के पास, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से जम्पर इस पर लगा दिया है। और इस जम्पर लगाने के बाद दोस्तों ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका ये आईसी हीट होगा, देख सकते हैं ये जो पेस्ट रखा हुआ है अभी तक वो वैसा के वैसा ही है, और इसमें हमारा अच्छा खासा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल अच्छा से काम कर रहा है। चलिए ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे वाले पैनल को भी चेक करते हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इसमें एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटर जो है जल चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये भी जल चुका है, और यहाँ पे भी कैपेसिटर जल चुका है, लेकिन इसमें सप्लाई देने के बाद जो दोस्तों हमारा ये आईसी हीट नहीं हो रहा है, मतलब ये आईसी जो हमारा है अभी भी सही है, ठीक है। ये वाला आईसी बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्या करना है कि जो मेन कैपेसिटर होता है यहाँ पे, इसमें भी ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या है कि कैपेसिटर लगा नहीं है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो आपको ठीक उसी प्रकार से इसको भी चेक करना है। तो चलिए हम इसको भी उसी प्रकार से चेक करते हैं। तो 5 वोल्ट वाले पिन से हम यहाँ से जम्पर लगाएंगे, इसमें यहाँ से ले लेंगे और इसमें हम लगाएंगे, तो देख सकते हैं इसमें भी ठीक उसी तरीके का प्रॉब्लम था। तो इसमें भी जम्पर लगाने के बाद हमारा दोस्तों ये इसमें सप्लाई आ चुका है, मतलब ये भी कार्ड जो हमारा बिल्कुल सही है। अगर वही यहाँ पे हमारा जो है हीट हो रहा होता तो वो कभी सही नहीं होता, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मेन आईसी इसका ख़राब हो चुका है, तो वो कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी जो हमारा इस रेजिस्टेंस है ये जल चुका है, ठीक है। तो ये इसके सीरीज में लगे होते हैं,
और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें लगा दे रहा हूँ, तो इसमें भी ये सप्लाई आ चुका है, ठीक देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जम्पर लगाया और ये हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको इस तरीका से रिपेयर करने का। अगर यहाँ पर डेड हो जाता है तो जैसा मैंने आपको दिखाया है उसी प्रकार से आप इसको चेक कीजिए, अगर नहीं होता है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। ये आईसी हीट नहीं होता है तो बनने का चांस है 95%, अगर ये हीट हो रहा है तो 1% भी चांस नहीं इसका बनने का, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखकर ऑडियो पैनल को रिपेयर करना आ गया होगा कि अगर ये डेड हो जाता है तो इसको किस प्रकार से चेक करेंगे और किस प्रकार से बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको रिपेयर किया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ऐसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।